जी प्रणाम। प्रणाम। मेरा नाम नीरज है और मैं गुड़गांव से आया हूँ और गुड़गांव में एक कंपनी में जॉब करता हूँ। जी गुरुजी, मैं पुणे शिविर में गया था तो वहाँ से जब आया तो एक महीने तक तो खूब अच्छा गहरा ध्यान लगा। जैसे ही मैं बैठता ध्यान पे, खुद ब खुद ध्यान लगना शुरू हो जाता था और अभी एक डेढ़ महीने से बिल्कुल ध्यान नहीं लगता, मतलब लगाना पड़ता है और गले पे खिंचाव रहता है और दर्द भी काफ़ी रहता है और हमेशा मतलब 24 घंटे खिंचाव बना ही रहता है। क्या बना रहता? मतलब गले के पीछे खिंचाव बना ही रहता है और कभी कभी दर्द भी होता है, जैसे कभी यहाँ पर कंठ पे ऐसा लगता है जैसे कुछ निगलो ना तो दर्द होता है, ये तो है। और दूसरा, जब भी ध्यान करो तो जैसे अब तो अंतर्मुखी होने लगा है कुछ टाइम से, अभी एक हफ्ते से नहीं, पहले अंतर्मुखी होने में भी दिक्कत होने लगी थी और नीचे मूल आधार से लेके ऊपर तक मतलब धीरे धीरे मतलब कोई चीज चढ़ती रहती है और है ना बीच बीच में दर्द सी करती है, एक एक है ना पॉइंट ऊपर बढ़ता है दर्द, गर्दन पीछे की ओर जाती है। हाँ, गर्दन ऐसे चली जाती है और फिर जब काफी टाइम बाद फिर आगे खुद खुद ब खुद करनी पड़ती है। हाँ, जो आप दर्द बता रहे हैं प्राणों का खिंचाव होता है ना नाड़ियों में, तो नाड़ियों में दर्द उत्पन्न होता है, वो साधक को सहना ही होता है। पीछे तो नहीं गिरते हो? नहीं, गिरते तो नहीं है, वैसे साध लेते हैं अपने आप को। और मैं प्राणायाम करता हूँ सुबह 1 घंटे और आसन वगैरह लगाता हूँ, वैसे तो मैं रनिंग वगैरह भी करता हूँ तो ऐसे शारीरिक रूप से तो बिल्कुल सुदृढ़ हूँ। हाँ देखो, जो प्राण यहाँ पर आता है गले में ज़्यादा दबाव देता है ना, तो नाड़ियों में खिंचाव होता है जी, तो दर्द उत्पन्न होता है और वो साधक को सहना ही होता है। और अभी जब ध्यान कर रहे थे तो जैसे कंधे है ना ऊपर की तरफ चढ़ जाते हैं और जब गहरा ध्यान लगता है तो जब प्राण ऊपर चढ़ जाता है तो कंधे अपने आप नीचे आ जाते हैं और है ना मतलब हल्का महसूस होता है फिर जब प्राण ऊपर गले से ऊपर चला जाता है तब, वरना है ना मतलब कंधों में है ना जकड़न सी रहती है। फिर प्राण ऊपर कहाँ चला जाता है? जैसे यहाँ तक रहता है, कंठ पे रहता है, जब ऊपर चढ़ जाएगा तो कंधे नीचे की तरफ ढल जाते हैं अपने आप। अच्छा। और है ना हल्का महसूस होने लगता है फिर, बड़ा शांति और गहरा ध्यान लगता है। तो ये खिंचाव कम हो जाए इसके लिए क्या करें, ये बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रहा है। तकलीफ हो रही है? हाँ हाँ। अभी हमने थोड़ी देर पहले एक साधक को कहा था साधना कम कर दो। नहीं, साधना तो कम नहीं कर सकते, बढ़ानी है। बल्कि मैंने ये भी कहा कि ये साधक को सहना पड़ता, भैया मेरी किताब दूसरी पढ़ लो, कि तुम्हें थोड़ा होता तो मैं झूला जैसा झूलता था, 7.5 साल झूला झूले जैसे नहीं, तो ऐसे मैं हिलता रहता था और कभी कभी सिर नीचे फर्श से टकरा जाता था, प्राणों का दबाव ऊपर को इतना ज़्यादा होता था, नाड़ियाँ खिंचती हैं, ये साधक को सहना पड़ता है, आज नहीं सहोगे तो भविष्य में सहना ही होगा, मजबूर हो जाओगे। ठीक। कब सहना पड़ेगा पता है? कब सहना पड़ेगा? अंतिम समय पर? नहीं नहीं, अभी सह लेंगे, वो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा है तो फिर समझ गए। ठीक है गुरु जी, प्रणाम। प्रणाम। साधना करते रहो, ये सहना पड़ता है। अच्छी बात है, मतलब जिनकी गर्दन ज़्यादा पीछे जाती है, खिंचाव होता तो उसका यही होता कि प्राण दबाव ज़्यादा दे रहा है, अच्छी बात है ऐसे साधकों के लिए। धन्यवाद गुरु जी, प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। प्रणाम। मेरा नाम राजेश है जी, मैं दिल्ली नांगलोई से आया हूँ। अच्छा जी, मैं गुरु जी पूछना चाह रहा था जी कि मैं जब ध्यान पे बैठता हूँ तो ओम मंत्र का जाप करता हूँ, उस टाइम मुझे फिर थोड़ी देर बाद शरीर का भान नहीं रहता जी, स्थूल शरीर का मतलब पता नहीं चलता बिल्कुल जी, और उसके बाद थोड़ा सा जी एक दो बार मैं अपने आसन से थोड़ा सा मतलब इतना आधा फुट के करीब ऐसा मतलब मेरे को महसूस हुआ जैसे मैं ऊपर उठता हूँ जी। कितना उठते हैं आप? आधा फुट के करीब जी, ना एक बिलांद के करीब है इतना जी। इतना आप उठ जाते हैं? अच्छा। मतलब मेरे को महसूस होता है जी, मुझे ये मतलब ऐसा एहसास होता है जी। अच्छा। कभी आँख खोल के देखा कि आप उठते हैं, ऐसा कभी देखा? नहीं देखा जी। देखिए, आपने जो ये कहा कि महसूस होता है, पहले क्या कहा था इससे?
इससे पहले ओम मंत्र का जाप करता हूँ तो मतलब शरीर का भान नहीं रहता, ये मतलब ओम मंत्र का जाप करने से शरीर का भान नहीं रहता, मन एकाग्र हो जाता होगा, मुझे तो भान नहीं रहता होगा, लेकिन आपने कहा मैं ऊपर उठता हूँ, ये भ्रम है। होता क्या है कि आप ओम मंत्र का जाप करते हैं तो अंदर का शरीर यानी सूक्ष्म शरीर वो हल्कापन यानी थोड़ी शुद्धता होगी तो हल्कापन महसूस कराता होगा, आप जब ध्यान में होंगे तो ऐसी अनुभूति करते होंगे कि मैं उठ गया, लेकिन आपका स्थूल शरीर जमीन पर ही रहता है। ठीक है, अभी ऐसा ना सोचे कि मैं आप उठते हैं, अगर आपको कभी ऐसा भ्रम हो जाए कि नहीं नहीं मैं उठता हूँ तो आँख खोल के देख लें, आप बिल्कुल नहीं उठते होंगे। ठीक है, सिर्फ वो एक ऐसा सा ही होता है ये मतलब? हाँ, वो अंदर की अनुभूति होती है, ऐसा नहीं होता कि आप उठ जाए। और प्राण ऊपर की तरफ बड़े वेग से मतलब चलता है ये, सिर में भी आता है, और जब ध्यान पे बैठा रहता हूँ तो यहाँ से मतलब ऊपर की तरफ मेरे को एहसास होता है कि ऊपर जा रहा है, और एकदम से जब एहसास होता है तो मतलब एकदम से झटका लगता है ये पीछे, हाँ भाई ऊपर गया ऐसे लगता है जी जैसे मेरे को। और यहाँ पे तो इतना खिंचाव रहता है जी कि क्या बताऊँ, जैसे कुछ मतलब पता नहीं क्या कोई वो कर रखा है, और वो पूरे सिर में ही रहता है जी, आगे चक्कर में तो जैसे कुछ ठोक रखा है ऐसा एहसास होता है जी, इतनी मतलब वो होता है जी। हाँ, ध्यान करने से प्राण की गति इधर उधर की अनुभूति कराता है, तो आज्ञा चक्र में वही नाड़ियों में खिंचाव तो होता ही होगा। हाँ, ये अनुभूति होती है इस प्रकार की साधकों में जी। ठीक है गुरु, प्रणाम। प्रणाम। थैंक्स फॉर वॉचिंग, रिमेंबर टू लाइक कॉमेंट एंड सब्सक्राइब।